strong connection. Oh, it's taking so much time. Are we on here? What's up, Facebook? All the people out there, welcome. And हम लोग अभी यहाँ पर Instagram भी connect करें, कोशिश करें कि Instagram connect हो जाए, पर थोड़ा सा internet का कुछ problem है. But yes, finally आ गए हम बारिश लेके. And today is the beautiful day. और यहाँ बार आप देख सकते हैं, I don't know if it's visible or not. यहाँ पर already बारिश शुरू हो गई है, as always. I'll just give this phone to Naushad bhai. We can just start the live thing. Says guys, I was very excited. And let me start. शुरू कर लेते पहले, फिर सबसे बात करते हैं. I don't know, there's some issue happening with this in Instagram. Just do it with this one. Just what's happening. So give this to me. Let me do this. Yes guys, so थोड़े महीनों पहले ही वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग. एंड आज कुछ अलग तरह का लाइव सेशन करने वाले हैं. व्हाट हैपेंस बेसिकली, क्या होता है जब गाना आ जाता है ना, तो आर्टिस्ट जो होते हैं वो थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, बोलते हैं मेरा गाना. सो टुडे आई डोंट वांट टू से इट्स माय सॉन्ग, ये गाना हमारा है. और मैं आज आप सबको बहुत सारे उन लोगों से मिलाने वाला हूँ जिनके वजह से ये गाना बना है और जिनकी वजह से ये गाना आप लोगों तक पहुँचा है. सो आई एम गोना मेक यू मीट my entire team. We'll start with Naushad bhai. Naushad bhai is a person who has really changed my life. After my father, I really look up to him. He has always guided me in my life. Aur mujhe har jagah meri, I think agar Naushad bhai nahi hote to mera career jo aaj jahan pahuncha hai wahan us level par nahi pahuncha. Nahi, I don't come here. So here's Naushad bhai. Hi everyone. Hi, good morning. And bahut तो विश्वास है कि जिस तरह से दर्शन ने आप लोगों के लिए मानसून सॉन्ग पे मेहनत करके बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया और अपना वादा पूरा किया है कि हर बारिश में गाना लेके आएगा. एंड आई होप सारे दर्शन के फैंस, दर्शन के चाहने वाले, ब्लू फैमिली, ऑल द दर्शनर्स, यू विल डेफिनेटली लव द सॉन्ग. इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक्स करिए, कमेंट करिए. एंड आई एम श्योर यू विल लव द सॉन्ग. और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा, मेरे से ज्यादा आप लोग ध्यान नौशाद भाई रखते हैं कि उनको ये पसंद नहीं आएगा, आपको तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है. बिल्कुल. और बारिश के लिए अगर बात करें तो आई थिंक व्हेन द बारिश सॉन्ग स्टार्टेड दिस वे, नौशाद भाई ने सबसे पहले आई वॉज ट्राइंग टू मेक समथिंग और उस वक्त नौशाद भाई आया, उन्होंने कहा कि ये तुम सुनो, कुछ तुम्हारे लिए आई गॉट गिफ्ट, वैसा चक्कर था. और हमने गाना सुना, पहले मैंने सुना, मैंने कहा नौशाद भाई हियर इट अगेन एंड अगेन, 10 से 15 बार हम लोगों ने गाड़ी में बैक टू बैक सुना. मैंने कहा नौशाद भाई मुझे ये गाना गाना है, आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग एंड दिस इज द सॉन्ग, ये बारिश में ये गाना है. और उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड कमिंग अप इन द टीम. एंड आई थिंक नौशाद भाई नहीं होते तो आज ये गाना इस टाइम पर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता. वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक सोनी म्यूजिक, उनके सपोर्ट से आई थिंक द सॉन्ग इज नाउ गोइंग टू रीच टू एवरीबॉडी. हम लोग वी हैव डन ऑल आर हार्ड वर्क, द सॉन्ग इज गोइंग टू कम आउट टू यू गाइज. एंड आप लोग आज गाना थोड़ी देर में, इट्स कमिंग ऑन इंडी म्यूजिक लेबल. यस. एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द कंपोजर, द लिरिसिस्ट, और दो लोग हैं वो रास्ते में, वो लोग आ रहे हैं तो उनसे भी मुलाकात करेंगे. और जितने भी लोग मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, मेरे को प्यार वाले स्माइलीज भेज रहे हैं, आप सबको बहुत सारा प्यार. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड आई थिंक अभी लाइव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, इंस्टाग्राम पर जितने भी लोग आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग. एंड आई एम नर्वस, आई एम एक्साइटेड. सो मैं थोड़ा फंबल कर सकता हूँ, मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज एज यू नो मैं गाने के रिलीज के दिन बहुत नर्वस हो जाता हूँ. सो नाउ आई एम कॉलिंग संदीप गोस्वामी द मैन. इन्होंने आज वाइट पहना है और मैंने ब्लैक पहना है, वाइट एंड ब्लैक. सो दिस इज द मैन, इन्होंने गाना बनाया है बारिश लेते आना. एंड आई थिंक ही इज द मैन, ही नीड्स ऑल द वर्ड्स आज. इज अ कंपोजर लव. और आप सब मैं संदीप भाई, आई वुड लाइक यू टू से समथिंग अबाउट द सॉन्ग एंड टेल पीपल हाउ यू मेड दिस सॉन्ग. कैसे ये गाना बना और कैसे आपको लगा कि दर्शन रावल की आवाज़ इसमें थोड़ी फिट हो सकती है, और क्या दर्शन ने जस्टिस दिया है इस गाने को या किया है? नहीं, जस्टिस तो कमाल का दिया है. okay. और मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरू हुआ था गाना ये, तो बारिश भी हो रही थी, और फिर जब एक फर्स्ट लाइन आई और जब मैंने नौशाद भाई से शेयर किया वो गाना, फिर मतलब पहला इंस्टिंक्ट ये हुआ कि दर्शन का जो वोकल लो टेक्सचर में आएगा, उसके बाद जो हाई आएगा, तो वो जो पूरा ग्राफ निकल के आएगा वो कमाल का आएगा. और मुझे मतलब आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये इस गाने के बाद तो मतलब कुछ हम लोग इतना डिस्कस करते थे ना, हम लोग बैठ के, आई यूज टू कॉल हिम कि भाई ये बहुत बड़ा गाना है. मैं आई यूज टू कॉल हिम रैंडम टाइम्स पर, रात को कभी कॉल करता था. एंड इट्स अ फैक्ट, हम लोग कॉल पे वी यूज टू डिस्कस कि भाई इसमें आवाज़ कैसी चाहिए, कैसे करेंगे,
और बड़े आराम से करना पड़ेगा. उसके बाद ही ऑल्सो वेटेड अ लॉन्ग बिकॉज मेरा हम लोग ने वेट के वो एक प्रॉपर गला जब आपका एक वो जोन में होता है तभी. एंड हमने पहले भी रिकॉर्ड किया था हमने. उसके बाद भाई ने कहा कि भाई एक और बेटर हो सकता है. मैंने कहा भाई इससे बेटर नहीं हो पाएगा. बोले हो सकता है, आप टाइम ले लो, बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे. उसके बाद जो स्टार्ट आया, उसके बाद 2-2.5 घंटे लग गए एक लाइन गाने को. बट दैट्स हाउ वी गॉट द स्टार्ट ऑफ द सॉन्ग एंड वी recorded this song and I would really like to thank him for giving me such a beautiful song and thank making you, me sing you. this song aur ab hum Naveen bhai ko bulayenge. Naveen bhai hamari zyada mulaqat nahi ho payi hai Naveen bhai se, but Naveen bhai Naveen bhai has written this song and I think is gaane ka jo sabse bada charm hai, the charm of this song is the lyrics. Iske jab aap lyrics sunenge video ke andar and the audio as well, you guys are going to love it because main इस गाने के लिरिक्स से अभी तक बाहर नहीं आ पाया. 6 महीने से हम लोग सुन रहे हैं. I'm still हाँ, मतलब it gets in your head. So I just want Naveen भाई, how did you write this and what do you want to say to everybody? कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं करना चाहूँगा, कुछ नहीं. ये पूरी तरह दिल का मामला था. संदीप ने मुझे पहली लाइन सुनाई थी और उसका क्रेडिट मैं लूंगा नहीं झूठा. पहली लाइन संदीप की थी, आती हो तो बारिश लेते आना. अब वो बारिश की जो बूंदे और छींटे हैं वो जमीन पे पड़ने तक, ऊपर से नीचे तक, वो सफर था मेरा. वो पूरा करना था, तो वो पूरा हो सकता था दिल से. दिल का आदमी हूँ, इमोशनल हूँ, बहुत प्यार किया है, बहुत दिल टूटे हैं. और यकीन करना, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मज़ा प्यार करने में है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा ना दिल टूटने में. इश्क में मेरे ख्याल से दिल का टूटना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आदमी से इंसान बनते. वाह वाह, तो ये इंसान बनने का सफ़र था और मज़ा आया. और मैंने अपने आसपास इतने सारे दोस्तों को देखा है जिनके दिल टूटे हुए हैं. वो कई बार बोलते हैं कोई एंथम लिखो, कोई दिल पे कोई एंथम लिखो, टूटे दिल पे. तो ये एक एंथम है, वेरी ट्रू, टूटे दिल का. लवली. तो और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब चीज़ें ट्रैक पे होती हैं ना, जब सुर मिलते हैं सबके एक साथ, ये वो मोमेंट है. ये संदीप की ब्यूटीफुल कंपोजिशन और दर्शन की मैंने आवाज़ कल ही सुनी पहली बार. अदरवाइज मैं इससे पहले संदीप की आवाज़ में सुनता आया गाना. तो कई बार आप बायस्ड हो जाते हो ना, आपको लगता है कि यार पता नहीं जिस आवाज़ की इतनी आदत पड़ गई है दर्शन कैसा करेगा. एंड दर्शन हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब. थैंक यू. दर्शन, यू हैव डन अ सुपर्ब जॉब. रोज सुनता था मैं, रोज लूप पे चल रहा गाना. और बट ये दिस इज द थिंग आई विल टेल यू, ये मेरे साथ भी हुआ. मैं पिछले 15 दिन से रोज गाना सुन रहा हूं. नहीं, जब व्हेन हमने भी भाई का जो आवाज था, पहले भाई हैड संग द सॉन्ग, सो हम लोग सुनते थे उस गाने को दिन में 10-25 बार लूप पे चलता था. तो मैं एक टाइम पर, मेरे लिए एक वो हो गया था कि क्या मैं वो दे पाऊंगा इस गाने को, विल आई बी एबल टू सिंग द वे यू हैव सांग. बिकॉज व्हेन अ कंपोजर सिंग्स अ सॉन्ग तो ही गिव्स ऑल हिज हार्ट बिकॉज इट्स हिज बेबी. तो वो जस्टिस देना, तो इट वाज अ बिग बिग थिंग फॉर मी एज वेल. तो आप लोग और सब बताएंगे इफ आई हैव डन जस्टिस टू द सॉन्ग. अरे एनी टाइम. तो भाई मैं तो अब ये कह के अब विदा लूंगा कि दर्शन, संदीप, मैं, हम तो जो हैं ही, लेकिन इसके पीछे एक आदमी और है जिसमें थोड़े से पैसे लगाए हैं. पैसे और दिल भी लगाया. दिल भी लगाया. दिल लगाया. दिल लगाने के लिए हमें, आप पैसे लगाते रहो. तो हमारे नौशाद भाई जो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पारखी होना बहुत जरूरी है. अरे अच्छे गानों का पारखी होना, ये वैसे ही है कि उस सोने की, हीरे की, जवाहरात की कोई कीमत नहीं है अगर वो सही सुनार के हाथ में नहीं है. तो सही पारखे आदमी के हाथ में होना बहुत जरूरी है. मुझे तो नौशाद भाई से डर लगता है कि बिकॉज मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो जिस तरह से मुझे मेरी जिंदगी में रिस्क लेना, आई थिंक गोइंग लाइफ, लिविंग द लाइफ ऑन द एज, आई थिंक नौशाद भाई हैज रियली टॉट मी. क्योंकि मैं तो आई गेट वेरी अफ्रेड जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों से. दिस इज अ मैन हु हैज टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. सो ऑल द बेस्ट टू द टीम. और आप सबका प्यार बहुत जरूरी है इस गाने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. एंड जैसे कि आई वुड रूपेश आल्सो कम इन 5 मिनट्स. बहुत सारे और लोग हैं जिनसे मैं मिलाऊंगा, उसके पहले मैं जाने नहीं वाला हूँ. अगर मैं आप लोगों को बोर करूंगा तो आपको थोड़ा सा वेट और मुझे आपको सहना पड़ेगा. एंड द सॉन्ग इज कमिंग आउट वेरी सून. या तब तक मैं आई कैन रीड फ्यू कमेंट्स. बहुत सारे लोगों ने आई थिंक ऑडियो ऑलरेडी सुन चुके हैं. एंड विंक म्यूजिक पे, हाँ विंक म्यूजिक पर आप गाना सुन सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं.
और एक स्पेशल सरप्राइज है. हैव यू डन दैट आल्सो? या फैन क्लब वी हैव डन इट. सो ये भी प्लान हमारा सुबह सुबह था. सब बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा था कि इंस्टाग्राम पर अपना यूजर नेम बारिश लेते आना और उनका नाम था. तो हमने कुछ आई थिंक द टीम हैज सिलेक्टेड फ्यू पीपल और उनको दे वी हैव ऑलरेडी सेंड यू द सॉन्ग. आपको गाना ऑलरेडी हमने भेज दिया है. एंड बाकी रूपदा, ये द मैन इज हियर. जो रूप भाई से हाय टू एवरीबॉडी. हाय रूप भाई इज अ जीनियस म्यूजिक प्रोड्यूसर. जो आप बहुत सारे बॉलीवुड गाने इन्होंने किए हैं एंड ही हैज गिवन म्यूजिक टू दिस सॉन्ग. जो आप पीछे पूरा म्यूजिक सुन रहे हैं, द वायलिन एंड एवरी दैट हॉन्टिंग थिंग इन दिस सॉन्ग इज डन बाय हिम. भाई से हाय टू एवरीबॉडी. हाय एवरीबॉडी, आर यू एक्साइटेड? या या रियली. और सबसे प्यारी बात यह है कि ये असम से है और मेरा अभी जितने लोगों से मैं काम कर रहा हूँ उसमें 50% असामी लोग हैं यहाँ पर. एंड हम लोग बहुत मस्ती करते हैं. एंड यू टेल समथिंग, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मेकिंग दिस सॉन्ग? एक्चुअली ये गाना संदीप ने जब भी दिया था कंपोजिशन, यस, तभी हम लोग ने डिसाइड किया था इसको कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं. इट्स ए बैलेंस काइंड ऑफ सॉन्ग. यस. तो फिर जस्ट पियानो से स्टार्ट किया था गाना, बाद में जाके अभी इस पोजीशन में है. इस एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज लाइक ये एक जब गाना आप सुनेंगे तो उसके अंदर आपको एक खालीपन नजर आएगा उस गाने की मेलोडी में, उस गाने के लिरिक्स में. एंड वो खालीपन म्यूजिक में भी लाना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. एंड आई थिंक भाई हैज क्रैक्ड इट. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ब्रदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और आर यू एक्साइटेड? या या रियली. भाई मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ, नींद नहीं आती मेरे को. मैं हिंदी में गुजराती कर देता हूँ, गुजराती में हिंदी कर देता हूँ. सो यस, एंड नाउ आई वुड रियली लाइक टू कॉल द मैन. सबके चाहते. I am jealous of him because he has a beautiful beard here. Hello people. Hello, hello everyone. And Abhishek Sinha is here, the man. इनके बारे में मैं जितना कहूँ, आप लोगों ने भाई का काम सबसे पहले तेरा जिक्र देख लिया. He's a rock star. And भाई, you are a rock star. No, you tell everybody के कैसा, how was your experience making this song? What all did you? So, Darshan made me hear this song like almost 2 months back. Yeah. And उसने अपनी गाड़ी में मुझे ये गाना सुनाया. और हम लोग ये गाड़ी में एटलीस्ट 15 बार लगातार नॉन स्टॉप सुनते रहे. और द सॉन्ग जस्ट ग्रोज ऑन यू. सो मैं सुनने के बाद बोला कि यार इट्स अ लवली सॉन्ग, समडे वी विल डू इट, और हम बनाएंगे इसको ज़रूर. और कुछ 10 दिन पहले जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ही केम टू सी मी और इसने बोला भाई बारिश जाने से पहले वीडियो बना लेते हैं. So, hum log we just sat that day and we worked on the concept. But I was really not feeling well, but I am really happy and really glad ke bhai came out and he said ki no, I'll do it. Maine kaha bhai unka jab maine call 10 din baad meri baat hui, his voice was so weak. Maine kaha bhai I am so scared, main aapko, I am calling you and telling you this. He said ki nahi nahi tu bata, main aata hu milne. And that, so I am really honored and thank you brother. आप बताइए कि आपके जो एक्टर हैं वो कितने टाइम पर आते हैं? मैं सबसे जल्दी सबसे पहले सेट पर आता हूँ. करेक्ट, ही इज द लास्ट वन. मैं आई कम 3 घंटा पहले. सो दर्शन, मेरे को पहले लगता था कि तेरा जिक्र तब मेरे को तक लगता था कि ये अच्छा सिंगर है. तेरा जिक्र में मुझे पता चला कि एक्टिंग कर सकता है. और अब मुझे लगता है कि ये एक्टर कम सिंगर है, क्योंकि ऑन सेट व्हेन आई एम ऑन हिज एक्सिस, जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ तो मुझे स्ट्रेस कम रहता है. मुझे मालूम है कि मैं इसको जो बोल रहा हूँ वो ये कर लेगा. तो आई एम वेरी ग्लैड व्हेन आई हैव समवन लाइक सो कोऑपरेटिव, हु इज सो डिटरमिंड एंड सो डेडिकेटेड. पंक्चुअल, एंड पंक्चुअल के तो बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी टाइम दर्शन को दिया जाए उससे वो 1.5 घंटा लेट ही आता है. अरे वो सेलिब्रिटी चीज है जो उसने अभी ऑलरेडी अडैप्ट कर ली है. नहीं, वो ट्रैफिक इतना होता है ना उसकी वजह से. तो वो आते आते बारिश भी लेके आता है, ट्रैफिक भी लेके आता है, बारिश भी लाना है साथ में. तो वो है एक्चुअली मुंबई का ट्रैफिक आपका सेलिब्रिटी बनाता है. करेक्ट. सो इट वाज फन, वी हैड लॉट ऑफ फन डूइंग दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस ट्रैक इज कमिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट. Yes. So, हम लोगों ने बहुत प्यार से बनाया है. Yes. और हमें उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा. I'm fingers crossed है हमारी. And you'll see, I think भाई का जो story है, that's what I really love. It's the most simplest story and with amazing nuances. जो छोटी छोटी चीजें इस वीडियो के अंदर भी आप देखेंगे इसको, आई थिंक हम जब गाना बन गया उसके बाद भी हम लोगों ने जब देखा तो हमको लगा इट्स अ वेरी स्लो ग्रोइंग सॉन्ग एंड इट्स गोइंग टू ग्रो ओवर यू.
And yes, some ek aur insaan hai which is going to grow over you, and that's Nityami. Nityami, say hi. Hi. जिसका मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी लोगों को वेट था कि बस. सो हियर्स नित्यामी. हम नित्यामी को प्यार से मिष्टी बुलाते हैं. पासपोर्ट पर नित्यामी है. सो नाउ यू डिसाइड यू वांट टू कॉल हर नित्यामी और मिष्टी. ही प्रेफर्स मिष्टी. आई लाइक मिष्टी बिकॉज़ वो नित्यामी बहुत लंबा हो जाता है. सो नाउ मिष्टी. And don't worry, guys. He's all yours. I just did a song with him. I know. Let me just clarify that. और हमने वीडियो ये तो हम अभी हम टच भी कर रहे हैं वीडियो में हम इतने डिस्टेंस पर खड़े थे. Actually. हम जैसे पास आ रहे थे. तो हमने वीडियो में we kept them like far away. So that if you see the video, you will realize कि why they are so far away because it's a heartbreak song. They should not supposed to be together. इस बार स्टोरी के सबसे पहले स्टोरी कुछ ने पहले ये दिखा गया लड़का और लड़की पास में नहीं आएंगे. तो हम दूर खड़े थे दूर से बात करते जो जैसे ही पास में आते थे तो लोग चिल्लाते कि अरे करीब आ गए हैं करीब आ गए हैं. सो यस बट इट वाज अमेजिंग अमेजिंग वर्किंग विद हिम. ही ब्रेक्स माय हार्ट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट या यस बट आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद मिष्टी. वी हैड फन. वी रियली एंजॉयड. एंड आई थिंक हम लोग जो भी दिखने वाले हैं ऑन द इन द वीडियो आई थिंक उसका क्रेडिट जाता है भाई को अभिषेक भाई को. ही कीप्स ऑन सेइंग आई एम एन एक्टर और ये सब. एक सेकंड. Just remove the last one, no? Out now one. It is necessary. It's necessary. Okay. ठीक है. So there's an important notice for everybody. अभी in a while the song is going to come out. जितने भी लोग Instagram पर हैं मेरी story देख सकते हैं और Facebook पर अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो इस video के बाद there's going to be the link of the video is going to be out. और जितने भी लोग इस video को share करें अगर आपको पसंद आता है तो please share करें सबसे पहले. And if you're sharing it, please use हैशटैग बारिश लेते आना आउट नाउ. तो अगर आप कुछ मुझे कहना चाहते हैं यू फील समथिंग फॉर दिस सॉन्ग आई विल कम टू नो. मैं इस हैशटैग को यूज़ करके आई विल सी ऑल द थिंग्स दैट यू हैव बीन सेइंग अबाउट दिस सॉन्ग. यू कैन यूज़ दिस हैशटैग ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. नाउ विल हियर समथिंग फ्रॉम नित्यामी. आर यू एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड. कल सोए रात को तुम? बहुत नहीं बट yeah, we hope you love it. This guy's amazing, like amazing. So I think I really like this. I hear good things about but him. But actually, I'm not just saying. He's actually super humble. I called her and yesterday. Super talented. I called her. You better say good things. No. She's an amazing girl and she's always smiling, bubbly. So हमको भी in Abhishek's voice अगर बात करो तो Nityami, you have to tone down yourself. नहीं मेरा तो मेरा चेहरा ही ऐसा है. मैं तो ऐसे खड़ा रहता हूँ लोग कहते हैं हंस रहा है. करें अभी? Should we do it? Or should I do the countdown? एक मिनट पहले वन मिनट. आई जस्ट हैव टू बहुत सारे पीपल हैव बीन राइटिंग सो आई जस्ट रिप्लाई एज मेनी पीपल आई कैन. करामी थैंक यू. वंशी थैंक यू. निकिता इज सेइंग हैप्पी टू नो यू बोथ आर फार. दर्शन आपकी सिस्टर क्यूट है. हु इज माय? शी इज नॉट माय सिस्टर लेट मी टेल यू. अमनदीप कौर यस यस. आई थिंक हम लोगों की हालत एक ही थी. हम लोग भी रात को सो नहीं पाए. मुझे तो थोड़ी नींद लेनी पड़ी वरना मेरे चेहरे पे बहुत दिख जाता है इफ आई एम नॉट इफ मैंने सोया नहीं है. सो आई थिंक पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कॉलिंग यू मिष्टी. So everybody, आपको पासपोर्ट में चेंज करवाना चाहिए अभी. नित्यामी से मिष्टी कराने. हाँ ठीक है. अगर बहुत सारे लोगों से अगर मैं अभी बात नहीं कर पाता गाइस बिकॉज वी हाँ आई विल कम बैक लाइव अगेन ऑन इंस्टाग्राम ऑन फेसबुक एज वेल एंड वील टॉक. पर नाउ आई एम गोइंग टू मैं ये लाइव वीडियो खत्म करने वाला हूँ. और इसके बाद अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो मेरे बायो में जाइए और या मेरी स्टोरी देखिए उसमें यू कैन सी द लिंक. एंड फेसबुक पर जितने लोग हैं इसके ऊपर इस वीडियो के बाद आई एम गोना पुट डाउन द लिंक एंड आई थिंक वी शुड डू अ काउंटडाउन. हाँ 10 9 8 7 6 5 4 3
2, 1. Bye. God bless everybody. Spread love. Chalo, chalo.